दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग सिस्टम बनाने वाले हैं, सबसे छोटा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, तो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये जो सिस्टम है ना, वो आज तक हमने जितने भी सिस्टम बनाए हैं उन सब में सबसे ऊपर है, क्योंकि प्राइस वाइज सबसे कम होगा और परफॉर्मेंस में बहुत ही बढ़िया। तो गेमिंग की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे हमें पता है कि हमें 4 कोर वाला सीपीयू रिक्वायर्ड होता है। 4 कोर में बढ़िया गेमिंग हो जाती है और 6 कोर वाले सीपीयू के साथ थोड़ी और बढ़िया गेमिंग हो जाती है। अब 6 कोर वाले सीपीयू पे ऑलरेडी हमने पास्ट में सिस्टम बना रखा है 9400F। तो आज जो हमने सीपीयू सिलेक्ट किया है वो है 9100F, इंटेल का सबसे छोटा 4 कोर 4 थ्रेड वाला सीपीयू है, लेकिन गेमिंग में ये सीपीयू सबका बाप है। इस पर्टिकुलर प्राइस में अभी आज मार्केट में कोई भी सीपीयू अवेलेबल नहीं है, ना एएमडी में ना इंटेल में, जो इस पर्टिकुलर सीपीयू को गेमिंग में बीट कर पाए। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर सीपीयू को सिलेक्ट किया है। ऑलरेडी मैं 9400F के साथ सिस्टम बना चुका हूँ, जिसकी प्राइस 11 साढ़े 11 में मिल जाता है, लेकिन ये प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज उससे भी बढ़िया है, क्योंकि 4 कोर वाला सीपीयू है और 6,500 7,000 की रेंज में मिल जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सीपीयू को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ मदरबोर्ड में हमारे पास B365 वाला कोई भी मदरबोर्ड आप इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ लगा सकते हो, लेकिन इस सीपीयू की प्राइस को देखते हुए मुझे ये मदरबोर्ड और जो हमारी सिस्टम की नीड है, मतलब जो गेमिंग सिस्टम हम बनाना चाहते हैं और उसमें जो जो चीज़ें लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड मुझे सबसे बढ़िया लगा है। और भी बहुत सारी कंपनी के B365 वाले चिपसेट वाले मदरबोर्ड हैं, लेकिन उनकी प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि उतने ज़्यादा पैसे मदरबोर्ड में डालने चाहिए, मतलब जितनी हमारी नीड्स है ना वो इसमें पूरी हो जाती है। और एक सिस्टम बिल्ड करने का जनरल रूल ऑफ थंब भी है कि आपके मदरबोर्ड की प्राइस आपके सीपीयू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर 6-7 हज़ार के सीपीयू के साथ 10-12 हज़ार का मदरबोर्ड लगा रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एसरोक का ये जो B365 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। इसमें आपको 2 रैम के स्लॉट मिल जाएंगे, 1 M.2 NVMe का भी स्लॉट मिल जाएगा, यहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, उसके बाद भी X1 के 2 स्लॉट मिल जाएंगे, 1 USB हेडर भी मिल जाएगी और 6 SATA पोर्ट मिल जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ है। अब दूसरा आप कोई मदरबोर्ड देखते हो जिसमें 2 की जगह 4 रैम के स्लॉट हों, तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिस्टम में 8 GB रैम लगानी है। 8 GB रैम के लिए 1 स्लॉट भी इनफ है। अगर कोई ड्यूअल चैनल में लगाना चाहता है तो 2 स्लॉट इनफ है। ठीक है, ड्यूअल चैनल का सपोर्ट लेना चाहता है तो 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड देखते हो, फिर यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट हैं या दूसरी M.2 का स्लॉट है, तो फिर उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि उतने ज़्यादा पैसे उसमें डालने चाहिए। 6,000 का बोर्ड बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रैम की। तो ये जो रैम है वो हमने बहुत सारे सिस्टम में यूज़ की है, बहुत सारे बिल्ड में। कोर्सर वेंजेंस LPX 8 GB DDR4 3000 MHz की रैम है, 2700 से 2800 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन भी परचेस करना चाहो तो देख सकते हो प्राइस आप कितनी है। अब ये जो रैम है ना, वो 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी है, लेकिन ये CPU और चिपसेट 2666 से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तो ये रैम फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ले लो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2666 की लेने जाओगे ना तो भी इतने में मिलेगी, तो फिर उतने ही पैसे डाल के हमें 3000 वाले लेने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये फास्ट रैम है। 3000 पे 16 की लेटेंसी, तो अगर आप 2666 पे चलाओगे तो 14 की लेटेंसी डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, 14 या 15 मैक्सिमम, तो ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अब बहुत सारे यूज़र यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करेंगे कि सर ड्यूअल चैनल का सपोर्ट है तो फिर ड्यूअल चैनल में क्यों ना चलाए। अब ड्यूअल चैनल में चलाने जाओगे तो आपको पूरी एक रैम किट परचेज करने की करनी पड़ेगी, जिसमें 4 4 GB के 2 मॉड्यूल लगे हो। ठीक है, तो उसकी प्राइस कहीं ना कहीं वो रैम किट की वजह से 1500 2000 रुपये बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 1500 2000 रैम में डालनी चाहिए, उसकी बजाय SSD में या GPU में डालनी चाहिए, ताकि ओवरऑल बेटर सिस्टम बने। हमें यहाँ पर गेमिंग में 8 GB की रैम मोर देन इनफ होती है। ठीक है, मोर देन इनफ, इसलिए हम यहाँ पर 8 GB सिलेक्ट कर रहे हैं सिंगल स्टिक, कोई हम रैम किट के उसमें बढ़ नहीं पड़ने वाले। ठीक है, उसके बाद बात आती है SSD की। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप सेटा SSD के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 1000 1500 ज़्यादा डाल सकते हो तो आपको इस पर्टिकुलर SSD के साथ जाना चाहिए, M.2 NVMe। ये प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया SSD है, और हमारा जो मदरबोर्ड है वो भी डेफिनेटली M.2 NVMe, देखो ये लिखा हुआ है ना M.2 Ultra, वो सपोर्ट करता है M.2 NVMe, तो हमें उसके साथ जाना चाहिए। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने कहा बजट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट है तो फिर आप ये SSD लगा लेना, क्योंकि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो SSD पे डिपेंड नहीं करता है, वो CPU GPU और RAM पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के ये SSD लगाते हो तो
इस SSD का परफॉर्मेंस इस SSD से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 1500 रुपये ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल बेटर सिस्टम बनेगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, अगर बजट टाइट है तो ये लगा लो, बजट अगर आपका अलाउ करता है, एक्सटेंड कर सकते हो, तो फिर आप इस SSD के साथ जाना, बहुत ही बढ़िया SSD है, ठीक है। उसके बाद बात आती है GPU की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गेमिंग की, जहाँ पे बात आती है ना। तो आज ही ये GPU, मतलब मैं देख रहा था तो सर्च कर रहा था तो मुझे मिला RX 580 4GB वाला मॉडल 11600 मिल रहा है। अब जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं ना 9100F को कंसिडर करते हुए, ये पर्टिकुलर GPU बहुत बढ़िया रहेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है। AMD साइड अगर आप AMD का GPU लेना चाहते हो तो ये GPU ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है, मतलब इस पर्टिकुलर GPU के साथ नहीं जाना है और NVIDIA के साथ जाना है, तो ये जो GPU है ना 1650 सुपर, बहुत ही फिनोमिनल GPU है। 9100F के साथ ये GPU बिल्कुल बढ़िया है, मतलब परफेक्ट सिस्टम बनेगा, ठीक है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो जो AMD का RX 5500 XT है वो अभी तक भी लॉन्च नहीं हुआ है, वरना हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में वो यूज़ करते। जब मतलब मैंने सोचा था तो मैंने ये सोचा था कि उसको लेके बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम 1650 सुपर यूज़ कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में आप ये वीडियो देख रहे हो और उस वक्त सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो हो सकता है रिलीज़ हो चुके हों, तो उसको यूज़ करना, वो भी बहुत बढ़िया GPU है, ठीक है। तो GPU में हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि देखो RX 580 भी हो गया, RX 5500 XT भी हो गया और 1650 सुपर भी हो गया। उसके बाद बात आती है पावर सप्लाई की। तो ये जो पर्टिकुलर पावर सप्लाई है थर्मलटेक का लाइट पावर 450 वाट, हमारे जो सिस्टम है, मतलब जो CPU है, GPU, RAM, SSD, उन सब के हिसाब से 450 वाट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। तो ये पावर सप्लाई मुझे मिला है, बहुत बढ़िया है थर्मलटेक का। दूसरे भी कोर्सेयर के, कूलर मास्टर के, एनटेक के पावर सप्लाई थे 450 वाट के, लेकिन उनका कहीं ना कहीं प्राइस ज़्यादा था, तो सबसे कम प्राइस में मुझे यही मिला है और इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर आपको कोई और मिलता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मैंने सिलेक्ट की है इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए, मतलब CPU ले लिया, मदरबोर्ड, रैम, GPU, SSD, पावर सप्लाई, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने नहीं ली है मैं आपको बता देता हूँ। केस मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे लिए वो प्रायोरिटी है नहीं, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप जो मर्ज़ी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल केस, RGB वाला, साइड पैनल वाला, या नहीं हो जिसमें साइड पैनल, जो मर्ज़ी सिलेक्ट करो। उसका ये जो सारे कंपोनेंट है ना, उनसे कोई लेना देना है नहीं, मतलब जो मैं गेमिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसका गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई रोल नहीं होता। जिसका जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है गेमिंग परफॉर्मेंस में, वो है हमारा CPU, हमारा GPU, RAM, SSD, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, इसके साथ मदरबोर्ड कौन सा लगेगा। अब इन सारे पार्ट्स को आप कंबाइन करो और एक अच्छा सिस्टम असेंबल करो और एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग सिस्टम बनाओ और मज़े करो, ठीक है। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ना, मैंने एक लिस्ट में ऐड किए हैं, विश लिस्ट में, अमेज़ॉन की विश लिस्ट है, और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे विद ऑप्शन, मतलब जितने भी मैंने ऑप्शन आपको दिखाए ना, जैसे कि देखो ये GPU हो गया, एक और मदरबोर्ड हो गया B365 वाला, जैसे मैंने कहा था कि 1000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 4 RAM स्लॉट मिल जाते हैं, फिर SSD में 2 ऑप्शन हो गए, फिर ये 1660, ये मेंशन नहीं किया है मैंने वीडियो में, लेकिन अगर आप लगाना चाहें 9100F के साथ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बॉटलनेक भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 6000 के CPU के साथ इतना बड़ा GPU लगाना सही बात होगी, लेकिन कोई इशू नहीं है, बॉटलनेक नहीं होगा, ठीक है। 1650 सुपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमने ये मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है और ये हमारा CPU है। तो ये जो पूरा लिस्ट है ऑप्शन के साथ, मतलब दूसरे भी कंपोनेंट में हो सकेगा तो इसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि आप जो भी मर्ज़ी ऐड करना चाहो कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।